हाय डियर फ्रेंड्स, चलिए आज मेरे साथ एक अच्छी जगह घूमने चलते हैं। प्री दुर्गा पूजा शॉपिंग में मैं आज जा रही हूँ राजीव चौक। वहाँ मैंने क्या क्या एक्सप्लोर किया है आपको देखना है। ये मैं आ पहुँची हूँ राजीव चौक में गेट नंबर 7 के सामने। यहाँ मैं खास किसी का इंतज़ार कर रही हूँ। किसका देखना चाहते हैं? बस थोड़ी ही देर में वो आ जाएगी यहाँ और मैं उससे मिलकर बहुत खुश हो जाऊंगी। और आज हम चलेंगे विंडो शॉपिंग में। वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज अभी मैं हूँ राजीव चौक पर और मैं अपना दोस्त का इंतज़ार कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि आज हम दोनों निकले हैं दुर्गा पूजा शॉपिंग के लिए। आपको हमारे साथ अगर शॉपिंग में क्या क्या हम खरीदते हैं या क्या नहीं खरीदते वो भी दिखाते हैं, तो बने रहे चैनल पर। आज की शॉपिंग ब्लॉग बड़ी मज़ेदार बनने वाली है। आपको अगर पूरा वीडियो पसंद आई तो ज़रूर एक बार कमेंट कर दीजिएगा। हम दोनों आए हैं यहाँ, हाँ, पर मुश्किल ये है कि हमें पता नहीं है हमें जाना कहाँ है। हमें पता नहीं जाना कहाँ है, बस जा रहे हैं। तो चलिए हम लोगों के साथ। मेरा दोस्त चाह रहे हैं कि हम लोग इसके अंदर जाए, पर मैं नहीं, बिल्कुल सहमत हो रही हूँ क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट होता है। तो अब हम ढूंढ रहे हैं कि फैब इंडिया चले। चलो अंदर फैब इंडिया के देखते हैं यहाँ क्या मिलता है। फैब इंडिया से हम बाहर आ गए, अब हम जाएंगे वहाँ खादी इंडिया में, देखते हैं वहाँ जाके हमें क्या मिलता है। हमने अभी तक कोई भी कुछ खरीदारी नहीं किया है। अच्छी जगह पे जाने के लिए ना अपने हस्बैंड्स को लाना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम जा रहे हैं खादी इंडिया, वहाँ चल के देखते हैं कि क्या मिलता है। कैसा लग रहा है घूमना? हाँ, बट छाव छाव है ना, तो अच्छा ही लग रहा है। फैब इंडिया में तो वो एसी में थे तो अच्छा ही लग रहा था। अब दोबारा हम यहाँ थोड़ा सा ठंडक है क्योंकि छाव है, धूप में जब भी निकल रहे हैं तब गर्मी हो रही है, बट अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिनों के बाद हम राजीव चौक आए हैं और दिल्ली में 10-11 साल हो गया है रह रहे हैं, बट राजीव चौक कभी मैंने एक्सप्लोर किया ही नहीं है। तो मेरे साथ ही आज और एक एक्सप्लोरर है, बस दोनों घूमने निकले हैं। जब मैं बहुत छोटी थी ना, मेरे पापा ऐसा एक लाए थे और इससे ये बहुत सारी डिजाइन तैयार होता है। एक पैकेट कितने की है? तो राजीव चौक में ऐसे कलाकार हमें मिल गए, तो मैंने एक पैकेट ले लिया और बचपन का याद जो है वो ताजा कर लिया। ले ये इसके लिए, पुशु के लिए। हाँ, हम विंडो शॉपिंग करने जा रहे हैं बैगेट के अंदर। बस विंडो शॉपिंग ही हो रहा है, असली खरीदारी कुछ नहीं हो रहा है। बस वो 50 रुपए की जो वो लिया था, बस वही है। खादी इंडिया जो है, ये मैं दूसरी बार यहाँ आ रही हूँ और मुझे जैसा लगा, मैं आपको शेयर कर रही हूँ मेरी एक्सपीरियंस। यहाँ मुझे कपड़ों की कीमत बहुत ज़्यादा लगा, क्वालिटी वाइज, मतलब क्वालिटी उतनी अच्छी है नहीं, बट प्राइस इसका बहुत ही हाई था, फैब इंडिया से भी ज़्यादा। और फैशनेबल कपड़े यहाँ है भी नहीं, बट हाँ, हमने यहाँ से बहुत कुछ आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक्स लिया हुआ है और हेड वॉश, जैसे हेयर सीरम, शैम्पू, ये मुझे ठीक ठाक लगा और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, तो मैंने वहाँ से यही खरीद लिया। यहाँ बाहर मुझे 350 रुपये में कुर्ती मिल रही थी, बट क्वालिटी इतनी अच्छी है नहीं, बट हमने देखा बस, और क्या, भूख लग गई। हम लोगों ने कुछ खरीदारी किया नहीं है, खाने के लिए आ गए बस। खादी भवन से, खादी से ये बस ले लिया, मैंने कुछ लिया है, इसने भी कुछ ले लिया, ख़त्म। अब हम आ गए हैं मैटी में खाना खाने के लिए। खाना ही हमारा ज़िंदगी और कुछ नहीं। बहुत सारा बर्फ दे दिया, आइस दे दिया, ताकि ये वॉल्यूम में ज़्यादा हो जाए बस। तो चिकन बर्गर और ये बस, फ्रेंच फ्राइज, शाकोता,
भूख मिट जा हो जाएगा ना। चल, ये कॉम्बो पैक था 200 रुपीज का, बट अगर आप जम्बो किंग साइज बर्गर लेते हो तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बट ऐसा बर्गर आप घर पे और भी बना सकते हो, ट्रस्ट भी आप बना सकते हो। अच्छा, अब हम आ गए हैं श्री लेदर्स में, जो रिगल बिल्डिंग है ना उसी के ऊपर है। हम इसको ढूंढ रहे थे और मिल भी गया। यहाँ भीड़ इतना है कि मुझे लग रहा है कि दुर्गा पूजा दिल्ली में भी बड़ी ज़ोर से होने वाली है। बंगाली नहीं, बहुत सारे दूसरे कम्युनिटी के लोग भी यहाँ आए हैं ख़रीदारी करने के लिए। मैंने तो बस यही एक ही स्टेलाटो लिया है, बट बाकी लोगों को मैंने देखा कि वो लोग ना 4-5 बॉक्स एक साथ इकट्ठा खरीद रहे हैं, तो मुझे लगा कि मैं ही पीछे जा रही हूँ मतलब ख़रीदारी में। एक मज़ेदार चीज़ दिखाते, आपने तो बारिश देखी है ना, यहाँ जूतों की बारिश होती है। कैसे, यहाँ नीचे इनके जो क्या बोलते हैं इनको, सर्विस पर्सन है, ये नंबर बोलते हैं, और ऊपर से कोई है जो इस टनल के ज़रिए नीचे फेंकते हैं वो सारे शूज़। ये देखिए नीचे आ गया, मुझे तो बड़ी हंसी आई कि ये चल क्या रहा है। तो श्री लेदर से मैंने अपना स्टेलाटो लिया है ओनली 350 रुपीज़ में। ऊपर के जो फ्लोर है यहाँ आपको शूज़, बेल्ट्स और पर्स, बॉयज़ के जो पर्स है वो सब मिलता है। आकर लग रहा है कि हम लोग दुर्गा पूजा में आ गए हैं, कोलकाता में ही है। बैगिट का स्टाइल में है श्री लेदर्स का, इसका प्राइस भी है 560। ये भी अच्छा है, ये देखिए इसका प्राइस है 850। मैंने पहले कभी श्री लेदर्स के ये वाले सेक्शन में नहीं आई थी, तो यहाँ आके मुझे काफी सारे बैग पसंद आने लगे और प्राइस भी रिजनेबल है और श्री लेदर्स का बैग भी फेमस है। चलिए आज तो मैंने देख लिया क्या क्या मैं खरीद सकती हूँ आने वाले दिनों में, कुछ ना कुछ तो मैं ज़रूर लेने वाली हूँ यहाँ से। आज बस विंडो शॉपिंग। यहाँ स्लिंग्स बैग्स बहुत सारे हैं, किसी की प्राइस 1400-500, मतलब आप बजट में ले सकते हो। बैगेट वगैरह तो आप लेते ही हो, एक बार श्री लेदर्स में आके भी आप चेकआउट कर सकते हो कि आपके रेंज में है या नहीं, और लेदर बैग है तो आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो। वैसे मैंने कभी लिया नहीं है श्री लेदर्स की बैग। ये बैग है 480 रुपीज़ का ओनली। देखिए स्टाइलिश बैग है, पार्टी में आप ले जा सकते हो। स्वागत बांगाली माने श्री लेदर्स ना, दुर्गा पूजा हमारे श्री लेदर्स से बैग हो गया। चल, ओ बाबा। एक्चुअली बंगाली को बंगाली में कहा जाता है बांगाली, तो बांगाली जब भी हम देखते हैं ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और बांग्ला बोलने वाले लोगों को भी अगर मैं अचानक से हिंदी बोलने वालों के बीच में सुनती हूँ ना, मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये गार्ड दीदी भी बंगाली है मतलब बांगाली, तो उनसे बात करें। तुम कोथा थाको? हम तो कोलकाता से। हावड़ा? हावड़ा, हे देखें हावड़ा लोगों से लेदर से काज करते हैं। रैंडमली हम यहाँ वहाँ घूम रहे थे कि कौन सा दुकान हमें पसंद आ जाए, कहाँ क्या मिले, तो ऐसे ही घूमते घूमते इस दुकान पर हमारी नज़र अटक गई। चलिए अंदर चल के आपको दिखाते हैं। इस जगह पे आकर हमें ऐसा लगा कि हम मतलब हमारे दुनिया से बाहर कहीं सुकून वाली जगह पर आ गए हैं, और यहाँ की डेकोरेशन बहुत ही बढ़िया था। ये दुकान का नाम है द शॉप। चलिए कुछ अलग सद करते हैं। इस ज़ाइलोफोन को बजाने से इतना अच्छा फील हो रहा था, और हमें इसको बजाना भी नहीं आता है फिर भी इतनी मधुर आवाज़ इससे निकल रही थी। मैंने ठान लिया है मैं कभी ना कभी इसको ज़रूर खरीदूंगी और घर में रखूंगी। एक भी यंत्र का नाम मुझे नहीं पता, पर इनको मैंने देखा हुआ है जब दूरदर्शन चैनल में
जब म्यूजिशियंस पीछे बैठते थे और जो गीत मतलब जो गाते थे वो साथ में गाना गाते थे, और ये सब वो लोग ना बजाते थे। मुझे नहीं, पता नहीं, नहीं, नहीं इनका नाम क्या है। इसका प्राइस क्या है? 2250। मुझे तो सबसे प्यारा तो यही लगा इसकी आवाज। ये इतना मधुर है ना इसकी आवाज। इसको कैसे बजाते हैं? चलो इस दुकान को हमने एक्सप्लोर कर लिया। बहुत ही क्लासिक लुक है इसका। सुकून सा मिल रहा है ना यहाँ आकर। चार सौ की है बस। ये बैंड है, ये बैंड भी 400। अच्छा, घड़ी के साथ 400। राजीव चौक वैसे तो बहुत ही चहल पहल वाली इलाका है, बट एक छोटी सी दुकान आपको इतना शांति भी दे सकता है ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। इस दुकान का नाम है द पीपल ट्री। मतलब पीपल ट्री के नीचे लोग बैठ के योगासन या मेडिटेशन करते हैं ना, ये जगह बिल्कुल वैसा ही है, मेडिटेट करने लायक। और अच्छी सी धीरे से धीमी सी एक आवाज़ यहाँ चल रहा था, और यहाँ की एम्बियंस इतना खूबसूरत है मैं क्या बताऊँ। पूरा दुकान ही आर्टिस्टिक वे में सजाया हुआ है। इस बैग की कीमत क्या है भैया? घूम घूम के हम थके नहीं, हम प्लान कर रहे हैं कि दोबारा एक थम्सअप पी के फिर से शॉपिंग में चले। अभी हम बस एक्सप्लोर कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। क्या क्या दुकान मैंने एक्सप्लोर कर लिया, अब हम जा रहे हैं जनपद की तरफ और वहाँ से एक परफ्यूम शॉप में जाने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ। हाँ, पता नहीं मिलेगा या नहीं, वो हम ढूंढने के लिए तो जा रहे हैं। अब जनपद की मतलब भीड़ वाली मार्केट के अंदर हम बस घुस ही रहे हैं। अब यह वीडियो मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि यहाँ मोबाइल चोरी भी हो सकता है। मेरे वीडियो में जितने भी नॉन बंगाली फ्रेंड्स हैं ना, उनको मैं एक बात बताना चाहती हूँ। जनपद की मार्केट बोलिए, लक्ष्मी नगर की मार्केट या लाजपत नगर, सरोजिनी, यहाँ आप दुर्गा पूजा से पहले पहले जाओगे ना, आपको बंगाली भर भर के मिलेंगे। वो सब इस समय शॉपिंग करने आते हैं हमारी तरह। हमें इतने सारे बंगाली यहाँ नज़र आए, उनकी बातें सुनाई दिया कि बहुत ही ऐसा लग रहा था कि मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मैं कोलकाता में हूँ। ये ड्रीम कैचर मुझे लेना है। हम दोनों ने आज बहुत मज़े किए, खासकर जब विंडो शॉपिंग होती है ना उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैंने ये दोनों ड्रीम कैचर ले लिया है, 100 रुपये का एक एक, मतलब 200 रुपये का दो ड्रीम कैचर। अब हम इसमें ड्रीम कैच करेंगे। दोपहर 2 बजे से घूम के हम अब थक चुके हैं, बस हमारी जर्नी आज तक यहाँ तक ही रहा। फिर मिलेंगे अगली एपिसोड में आप लोगों के साथ। जाते हुए मुझे एक बहुत सी खूबसूरत सी एक डेकोरेशन मिला पौधों का, पता नहीं दुकानदारों ने ही किया होगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो राजीव चौक में अगर आप आते हैं ना, तो ऐसे अनोखे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, आइएगा ज़रूर। ये है हमारा दिल्ली राजीव चौक। ओ, एक बात करना भूल गई, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बने रहे मेरे साथ। अच्छा लगा तो दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए।
घर जाते हुए मैं आपको बता देती हूँ कि अगली एपिसोड में आने वाला है मेरी शॉपिंग हॉल, उसमें मैं दिखाऊंगी कि मैंने आज क्या क्या खरीदारी किया है। अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा।